सरकार प्राकृतिक धरोहर को सहेजने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन शासन के नुमाइंदे इन कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जबलपुर की, जहां प्लांटिंग का खेल खुलेआम चल रहा है। करोड़ों का मुनाफा कमाने के लालच में माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि माफिया प्राकृतिक धरोहर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। शोभापुर पहाड़ी में पिछले दो महीने से पहाड़ को ही तोड़कर प्लांटिंग चल रही है। कलेक्टर से लेकर नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों को भी इस बात की भनक है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीन रवैये के चलते पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। बिल्डरों ने प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ करके वन विभाग की भूमि को अपने नाम भी कर लिया है। क्षेत्रीय लोगों ने कलेक्टर से लेकर नगर निगम कमिश्नर तक से इसकी शिकायत की, लेकिन मामूली हर जाने के बाद ही मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। और उसपे हमने टोले की पूरी गिनती करा के पेड़ भी चढ़वाए थे, और 2012 में एक सर्वे टीम भी आई थी TMCP से। तो जब सर्वे टीम आई तो उन्होंने आके सर्वे के लिए पहाड़ में हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, उन्होंने लिखित रूप से दिया विजय दिया। उसके बाद हमने आती लगाई कि चट्टानों की ब्लास्टिंग करने की, रॉक बेड से तोड़ने की, या पहाड़ को संतुलीकरण करने किसी प्रकार की अनुमति दी गई है। तो हमको लिखित रूप से दिया खनिज विभाग ने, हमने किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है, ना ही संपीकरण की, ना रॉक बेड से चट्टाने चढ़ने की, ना चट्टाने को ब्लास्टिंग करने की, और ना ही SDM में सब्जी करने की परमिशन दी है। कौन लोग हैं ये बिल्डर है? माफिया भू माफिया में काम ही है गलत तरीके से, लेवल पास कराना और पूरी जगह अपना टांगना लगाना और बड़े बड़े गाने हिलना।